बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इमारत इस्लामिया के वजारत सनत और तिजारत के हुकाम ने गुज़िश्ता साल की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि पहली बार अफगानिस्तान के बरामदात तकरीबन 2 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी है और इस साल हमने 704 मिलियन अफगानी से ज़ायद का रेवेन्यू इकट्ठा किया। इसके अलावा अफगानिस्तान के बरामदात को मायारी बनाने और बढ़ाने के लिए मुल्क भर में 5 जोन के सतह पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग सेंटर्स कायम किए जाएंगे। उनके मुताबिक तिजारती तवाजुन को बेहतर बनाने, मालियाती इस्तेहकाम को बरकरार रखने, आवाम के लिए काम के मौके पैदा करने और महसूलात की वसूली में शफाफियत फराहम करने के हवाले से इमारत इस्लामिया के हालिया इकदामात अफगानिस्तान की तिजारत और बरामदात पर बुनियादी असरात दिखाने वाले अवामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता साल के दौरान कोयला, कपास, अनार, अंगूर और दीगर मसनूआत पाकिस्तान और हिंदुस्तान भेजे गए, जिनकी कुल मालियत 925 मिलियन डॉलर थी। इसके अलावा ये मसनूआत उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, मुत्तहिद अरब इमारात, चाइना, ईरान, इराक, तुर्की और कजाकिस्तान को भी बरामद किए गए हैं। इमारत इस्लामिया के नए वज़ीर सनत ने मजीद कहा कि तिजारत को मजबूत बनाने, बरामदात और दरामदात को आसान बनाने और दोनों परीकों के दरमियान तआवुन को वसअत देने के लिए पड़ोसी ममालिक जैसे ईरान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना और तुर्कमानिस्तान के साथ ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा चीन और रूस आलमी मालियाती निज़ाम के वजन के तौर पर डॉलर की बालादस्ती पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस खत्ते में डॉलर की वैल्यू कमज़ोर होने वाली है। तजियाकारों के मुताबिक ताकत के ढांचे में अमेरिका अपनी जुग्राफियाई सियासी हरीफों पर पाबंदियों के जरिए दबाव बढ़ाता है और अपनी सियासी एजेंडे को मजबूत करने के लिए अमरीकी डॉलर को एक आले के तौर पर इस्तेमाल करता है, क्योंकि अमरीका के हाथों में डॉलर आखिरी इंतहाई ताकतवर हथियार है जो उसको बेमिसाल इकतसादी और सियासी ताकत फराहम करता है और दीगर ममालिक पर एक तरफा पाबंदियों और आलमी मईशत के एक बड़े हिस्से से उनकी तनहाई का इम्कान फराहम करता है, जिस तरह उन्होंने कई सालों से ईरान के साथ किया और अब अफगानिस्तान और खित्ते के दूसरे ममालिक पर भी यही हरब इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए ईरान, चाइना, रशिया और तुर्की और कई दूसरे अहम ममालिक अमरीकी डॉलर के तसल्लुत को ख़त्म करने और उसका मुकाबला करने के लिए खसूसी इकदामात में मसरूफ हैं। इन इकदामात में चीन युआन की इशाअत भी शामिल है, जो 120 से ज़ायद ममालिक में इस्तेमाल हो चुके हैं, जिससे चाइना का डिजिटल युआन डॉलर के मुकाबले में कुलेआम मुकाबले के लिए बढ़ा दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने अपने एक रिपोर्ट में लिखा कि यूरोपी बाशिंदे ईरान की पाबंदियों से सबक हासिल करते हुए अपने खित्ते की मईशत का डॉलर पर इन्हिसार कम करने और यूरो के आलमी पोजिशन को मजबूत करने के लिए एक मनसूबा तैयार कर रहे हैं, जिसके साथ साथ अमरीकी तिजारत काते का खसारा मुसलसल बढ़ता रहेगा और ये मसला डॉलर पर दबाव बढ़ाता रहेगा। दूसरी जानिब अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखिला के हवाले से दस्तावेजात जमा कराने की आखिरी तारीख के साथ ही अमरीकी एवान के नुमाइंदगान के खारजे कमेटी ने कहा कि उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरीकी एवान के नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स और कुछ डेमोक्रेटिक्स का कहना है कि काबुल एयरफोर्ट पर 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत की अफरातफरी का मुकम्मल हिसाब किताब अभी तक फराहम नहीं किया गया। वॉल स्ट्रीट जनरल ने 2021 में रिपोर्ट किया था कि अफगानिस्तान में तकरीबन 22 अमरीकी सफारतकारों ने जुलाई 2021 में एक नामनिहाद अपोजिशन चैनल के जरिए ब्लिंकन को एक खुफिया टेलीग्राम भेजा था, जिसमें अमरीकी अफवाज के मुल्क से निकलने पर काबुल के मुमकिन सकूत के बारे में खबरदार किया गया था, लेकिन अमरीकी हुकाम ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।